दोस्तों पहले ये स्क्रैच देखिए, ये है टाटा टिगोर आपका। तो यहाँ पे कोई प्राइमर वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पेंट कर दिया टाटा वालों ने। टाटा का हर गाड़ी में मैं देखा हूँ, मैं वर्कशॉप में जाता हूँ ना रिपेयरिंग के लिए, तो कोई भी गाड़ी जब एक्सीडेंट वाला देखता हूँ तो देखता हूँ उनका गाड़ी में पेंट तो है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये देखिए ये पापड़ी निकल गया है, देखा ना। तो इसमें यहाँ पे प्राइमर नहीं, यहाँ पे अभी चढ़ेगा गाड़ी, अभी ये पेंट जल्दी नहीं कराने से यहाँ से अभी पेंट मतलब गाड़ी का चढ़ना शुरू हो जाएगा। और भी कुछ जगह है, ये वाला एरिया देखिए, ऐसे यहाँ पे मारखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्राइमर का कोई नामो निशान नहीं है, इसी ऊपर में काम चलाता है ये लोग, इसीलिए दूसरे गाड़ी का मुकाबला यहाँ उनका गाड़ी का मतलब क्या होता है जो रेट कम होता है ना, इसीलिए बहुत सारा जगह में आपका कॉस्ट कटिंग करता है। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ में ये लोग कॉस्ट कटिंग करके पब्लिक को थमा दिया। और भी मैं दिखाता हूँ, रुकिए थोड़ा। ये वाला देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पेंट जो भी टच हुआ, जिसे भी हुआ ये मतलब स्क्रैच, लेकिन यहाँ पे कवर देखिए, इसका पेंट उठ गया है, उसका नीचे में कोई भी मतलब प्राइमर नहीं लगा हुआ है, देखिए। तो इसे ऐसे पब्लिक को ठग कर रहा है लोग। एक्चुअली दूसरा कंपनी में गाड़ी देखिएगा, गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी जो भी हो, लेकिन उनका गाड़ी में जो हिसाब से बनना चाहिए गाड़ी, वो हिसाब से वो लोग बनाता है। तो मेरे हिसाब से टाटा का गाड़ी आर्मी लोग के अगर बिल्ड क्वालिटी देख के आजकल ले रहा है। और टाटा टिगोर का और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको मैं बाद में कभी अपडेट करूँगा वीडियो में, जो इसका स्टेयरिंग बॉक्स का इशू है। स्टेयरिंग बॉक्स का बहुत बड़ा इशू है इस गाड़ी का, टाटा टिगोर टियागो एक ही है। तो वीडियो में बने यहाँ तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे और भी वीडियो आएगा मेरा, ज़्यादा कभी टाइम लग सकता है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।